तो हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल इंडियन जॉब में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार इंटीग्रेटेड बीएड एडमिशन 2024 के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार इंटीग्रेटेड एडमिशन यहाँ पे देख सकते हैं 4 वर्ष वाला बीएड का कोर्स का आवेदन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे का सब्सक्राइब बटन दबा दीजिएगा। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्टेप बाय स्टेप आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस एडमिशन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी देना चाहेंगे दोस्तों, जो आपके लिए आवेदन फॉर्म भरने में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह 4 वर्षीय बीएड बिहार का कोर्स है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं एडमिशन है, यह टाइप है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बिहार इंटीग्रेटेड बीएड की तरफ से यहाँ पे ऑप्टिमाइज किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं BRAVU यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। यहाँ पे देख सकते हैं हु कैन अप्लाई, इसमें बर्मी पास का कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे दोस्तों। इसमें कोर्स मिलेगा आपको BA BED एंड यहाँ पे BSc BED कर सकते हैं दोस्तों। इसमें है इसके मदद से यहाँ पे देख सकते हैं बर्मी पास कैंडिडेट इसके लिए इलिजिबल है दोस्तों, आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 2 सितंबर 2024 से आवेदन शुरू हो चुका है और 15 सितंबर 2024 तक चलने वाले दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आगे अप्लीकेशन फी का बारे में बात की जाए, जनरल EUR यहाँ पे 1000 रुपये लगेगा। वही EBC यहाँ पे देख सकते हैं, BC OMN EWS PH कैंडिडेट 750 रुपये में आवेदन कर पाएंगे, SC ST 500 रुपये में आवेदन कर पाएंगे दोस्तों। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन करना होगा। आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानकारी दिया गया, जो देख सकते हैं बर्मी पास होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कम से कम 50% मार्क के साथ होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप अनारक्षित वर्ग के कैटेगरी है या फिर बिलोंग करते हैं दोस्तों, यहाँ तो 45% मार्क होना अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप इसके लिए एलिजिबल है, आवेदन कर सकते हैं दोस्तों। आगे एग्जाम के बारे में जानकारी दिया गया, इसमें 2 घंटा समय दिया जाएगा, टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं रखता है, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज प्रश्न, कौन से सब्जेक्ट से कितना मिलेगा, कितना पूछा जाएगा, यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दिया गया और मार्क के बारे में जानकारी दिया गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि आप आवेदन फॉर्म किस तरह से भर पाएंगे। तो आप वीडियो अंत तक बने रहिए। यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको बिहार इंटरेस्ट देख सकते हैं बीएड कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट का यहाँ पे वेबसाइट पर आना होगा दोस्तों। इसी साइट के माध्यम से आप आवेदन फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 2024 का ये कोर्स है दोस्तों, 4 ईयर से यहाँ पे कोर्स है, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है। तो सिंपली अगर आप इस साइट के माध्यम से पहले आवेदन कर चुके हैं कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पे लॉग इन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लॉग इन कर लेना होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं न्यू कैंडिडेट है, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं न्यू यूजर वाले ऑप्शन पर, न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जैसे ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम डालने के लिए बोला जा रहा है। सिंपली यहाँ पे फर्स्ट नेम डालिए दोस्तों, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम डाल सकते हैं, उसके बाद लास्ट नेम डालिए, उसके बाद यहाँ पे सिंपली डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है। तो सिंपली आप यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा, डे मंथ ईयर यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों। उसके बाद जेंडर बताना होगा, मेल है फीमेल है आप अपने अनुसार बता सकते हैं। फादर नेम आपको बताना होगा, तो सिंपली फादर नेम बताइए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों मदर नेम बताना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप लिख सकते हैं दोस्तों, सिंपली यहाँ पे बता सकते हैं। और उसके बाद ईमेल आईडी डालिए, उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट क्रिएट करना होगा और पासपोर्ट को दोबारा कन्फर्म करना होगा। 8 से 20 कैप्चर के बीच आपका पासपोर्ट होना चाहिए दोस्तों, जिसमें अपर की लोअर की कोई स्पेशल कैरेक्टर होनी चाहिए दोस्तों, यहाँ पे फंक्शनल की होनी चाहिए। मान लीजिए आपका नाम राजू कुमार है, तो आप राजू @1234 इस प्रकार से भी पासपोर्ट बना सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं सभी मिलाकर आपको पासपोर्ट बनाना होगा। 8 से 20 कैप्चर के बीच पासपोर्ट को कन्फर्म कीजिए। उसके बाद कंट्री का कोड यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, सिंपली यहाँ पे मोबाइल नंबर को दोबारा कन्फर्म कीजिए। यहाँ पे QR कोड डालिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कैप्चर फिल करना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पर यानी कि साइन अप वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको डिटेल्स शो किया जाएगा, कुछ गलत लगता है चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही कंफर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं डिटेल्स शो किया जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ पे अकाउंट बन चुका है। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आपको एक एक्टिवेट ईमेल दिया जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एक्टिवेट योर अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम डालना है दोस्तों, आपका ईमेल पर एक कोड भेजा गया, OTP भेजा गया, उस कोड को यहाँ पे डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं आपको कोड डालना है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। सिंपली क्लिक हियर फॉर लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको इस बार लॉगिन वाले पेज को खोलना है दोस्तों। सिंपली साइन इन वाले पेज खोलकर यहाँ पे जो लॉगिन आईडी बनाए हैं दोस्तों, उसके बाद पासपोर्ट जो मिला है यहाँ पे देख सकते हैं बनाया है, उसके बाद डालकर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद माई एप्लीकेशन का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा दोस्तों, आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, उसके बाद आपके सामने कोर्स का जानकारी आएगा दोस्तों। सिंपली यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड
वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आई एग्री करना होगा। दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, जो जो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं दोस्तों, विस्तार में आप जानकारी पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे पढ़ना होगा दोस्तों, पढ़कर आपको यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव वाले रीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एड द प्रोग्राम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग स्टेपों में पेमेंट करना होगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन का डिटेल यहाँ पे डालना होगा, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, एजुकेशन डिटेल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे एग्जाम सेंटर और पेमेंट जमा करना होगा दोस्तों। इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कर कर फॉर्म भर सकते हैं। पहले वाले ऑप्शन में यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो रजिस्ट्रेशन में कुछ जानकारी भरे हैं वो शो किया जाएगा दोस्तों। आपको यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट का नेम हिंदी में यहाँ पे बोला जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं नाम अपना इंग्लिश में लिखकर स्पेस दबाइएगा दोस्तों, तो आपको ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा, तो सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डेमो के लिए फॉर्म भरे तो हम कुछ भी लिख देते हैं। उसके बाद आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं बिहार या अदर स्टेट। तो सिंपली उसके बाद नेशनलिटी आपको इंडिया सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, सिंपली अपना कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिग्निशन आपको सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, यस नो आप अपने अनुसार सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, जेंडर के बाद अगर आप एक सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पे यस करना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो सिंपली नो पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देख सकते हैं मीनिंग देख सकते हैं दोस्तों, माइनिटी कौन सी बिलोंग करते हैं, तो यस नहीं सिंपली नो पर क्लिक कर सकते हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा दोस्तों, आधार कार्ड पैन कार्ड जो भी आपके पास सेलेक्ट कर सकते हैं दो सेलेक्ट कीजिएगा, उसका यहाँ पे नंबर डालिए। उसके बाद परमानेंट एड्रेस के यहाँ पे जानकारी डालना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हाउस नंबर वगैरह, लैंडमार्क यहाँ पे देख सकते हैं, सिटी वगैरह यहाँ पे एक एक कर डाल सकते हैं दोस्तों। सिंपली यहाँ पे विलेज का नाम डालना होगा, पोस्ट ऑफिस यहाँ पे देख सकते हैं, स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट अपने एरिया का पिन कोड डालिए, पुलिस स्टेशन और उसके बाद अल्टरनेटिव फोन नंबर यहाँ पे डालना होगा, तो एक करके डाल सकते हैं। अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पर टिक कर दीजिए, नीचे ऑटोमेटिक सेम फिल हो जाएगा दोस्तों, आपको अलग से भरने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद सिंपली नीचे आकर आपको यहाँ पे सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके सामने फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली यहाँ पे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइज यहाँ पे बताया गया है, देख सकते हैं जेपीजी फॉर्मेट में चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के बाद आपको अपलोड फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, तो आपका फोटो और सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड हो जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। तो उसी प्रकार से फोटो और सिग्नेचर जहाँ भी बना कर रखे हैं आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। इसी प्रकार से आपको चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अगले स्टेप में आपके सामने एजुकेशन क्वालिफिकेशन का डिटेल मांगा जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे 10वीं का एजुकेशन क्वालिफिकेशन डालिए, आप किस बोर्ड यूनिवर्सिटी से 10वीं पास किए हैं, आपको यहाँ पे पासिंग ईयर बताना होगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे पासिंग ईयर जिस वर्ष पास किया आपको सेलेक्ट करना होगा। स्कूल इंस्टीट्यूट का नाम यहाँ पे बताइए दोस्तों, सिंपली यहाँ पे बताना होगा किस स्कूल या इंस्टीट्यूट से पास किए हैं यहाँ पे डालिए। उसके बाद यहाँ पे मार्क ऑफ टाइप बताना होगा, परसेंटेज है या सीपी है जो भी आप बताइए। उसके बाद ऑब्टेंट मार्क आपको बताना होगा दोस्तों, आपका मार्क कितना आया है 10वीं में तो सिंपली बताइए। उसके बाद टोटल मार्क आपको यानी कि फुल मार्क बताना होगा दोस्तों, फुल मार्क 500 होता है बिहार बोर्ड में, तो सिंपली यहाँ पे 500 लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज ऑटोमेटिक काउंट किया जाएगा दोस्तों। उसके बाद उसी प्रकार से इंटरमीडिएट किस बोर्ड से पास किए हैं, किसी ने यहाँ पे वर्ष पास किए हैं दोस्तों, कॉलेज का नाम डालिए, परसेंटेज आपको बताना होगा, सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद फुल मार्क डालिए, परसेंटेज ऑटोमेटिक यहाँ पे काउंट किया जाएगा। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कीजिए। ओके पर क्लिक करते हैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, 10वीं का मार्कशीट आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट आपको अपलोड करना होगा दोस्तों, जेपीजी पीडीएफ कुछ भी साइज में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 10वीं का हायर एजुकेशन यानी कि यहाँ पे 12वीं का मार्कशीट, इंटरमीडिएट का मार्कशीट और उसके बाद यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है, तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तभी आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, तो साइज के अनुसार यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। मैक्सिमम यहाँ पे साइज 200 KB बताया गया है, यहाँ पे जेपीजी या पीडीएफ कुछ भी साइज में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, अपलोड हो जाएगा
पे उसके बाद सेवन प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं एग्जाम सेंटर का प्रीफ्रेंस देने के लिए जो बोला जा रहा है, तो दो ही सेंटर रहेगा दोस्तों। आप यहाँ पे एक कर कर प्रीफ्रेंस दे सकते हैं। उसके बाद सेवन कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। शुरू से लेकर अंत तक कुछ जानकारी गलत लगता है आपको भरे हैं जो, तो यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन मिलता है। उसके बाद सही लगता है सभी, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस कन्फर्म वाले बॉक्स पर क्लिक कर कर आपको कन्फर्म एंड सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। आपके सामने प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा दोस्तों। तो सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा दोस्तों। आप पेमेंट टाइप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, किसी भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं, तो जिस भी माध्यम से पेमेंट जमा करना चाहते हैं दोस्तों, पेमेंट आप जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा दोस्तों, जिसे निकाल कर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर पाएंगे दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की जानकारी के साथ।